Ladies and gentlemen, your host for tonight's show. नहीं, घाई लगी है तुमको यार। मिस मी, आई बेट यू डिड। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरें शो। मिस तो किया ही होगा, बार बार बीच बीच में क्रिंज जो देखना पड़ता है। बट पता है लोगों ने किसको मिस नहीं किया? नहीं, आर्यन खान की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रियोटिक फिल्म्स को। ओहो, मतलब पेट्रियोटिक फिल्म्स जिस स्पीड में आ रही है ना आजकल, उतनी तो फिजूल की बायोपिक्स भी नहीं आ रही। ट्रू स्टोरी। वो भी क्या जमाना था जब भाग मिल्खा भाग जैसी बायोपिक्स आती थी बॉलीवुड से। आज तो बायोपिक्स बस टिकट बेचने का एक जरिया है। रिसेंटली जॉन इब्राहिम की एक फिल्म का ट्रेलर आया, सत्यमेव जयते पार्ट 2। 2% की जान लेने 56 इंच का जिगरा नहीं, 56 किलो का हथौड़ा चाहिए। वाओ। जो फिल्म बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, हर फिल्म की तरह जॉन इब्राहिम इसमें चिल्ला नहीं रहे। और मेरी कहानी सुनो, से हंसना बंद। इसमें भी चिल्ला रहे। आज उस दिन आजादी मनाएगा। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। पर फर्क ये है कि इसमें 3 जॉन इब्राहिम चिल्ला रहे। ये आजाद उस दिन आजादी मनाएगा। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। जी हाँ, जॉन इब्राहिम का ट्रिपल रोल है इसमें। सीसी ना, ऑनेस्टली जॉन इब्राहिम इज अ गुड एक्टर। ओके, जॉन इब्राहिम ने मद्रास कैफे जैसे फिल्म्स की है और उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बट ये जॉन भाई, तुमने ट्रेलर देखा तो हर फ्रेम में जॉन इब्राहिम ही कहीं ना कहीं से आ रहे। इतने सारे जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम ने ढिंडोरा का ट्रेलर देख के सोचा होगा हम अपना ढिंडोरा बनाएंगे। अच्छा, ढिंडोरा से याद है क्या हुआ तेरे को? ढिंडोरा में नहीं, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल नहीं बोलने। जैसे अजय देवगन हर मूवी में या तो 2 घोड़ों पे 2 कार पे 2 बाइक पे सवार होके आते, जॉन इब्राहिम का एक ट्रेंड है हर मूवी में कुछ ना कुछ उठाते। कभी बाइक उठा ली, कभी कार उठा ली, कभी पेट्रियोटिज्म के नाम पे फिल्म उठा ली। देखो बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिली कभी। मतलब भाई, मतलब जॉन भाई ये सब मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है यार। मतलब ये तो मतलब राधे को भी। अच्छा, राधे भाई से याद आया, सलमान खान की न्यू मूवी आ रही है अंतिम, जिसमें उनके साले साहब भी है। मैं पूरी थाली खाऊंगा, वो भी स्वीट डिश के साथ। क्योंकि सरप्राइजिंगली डिसेंट ट्रेलर था। ओके, कंपेयर टू सत्यमेव जयते 2। नेवर माइंड, बट इट्स अ डिसेंट ट्रेलर टू बी ऑनेस्ट। और क्या हुआ अब? फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया है। जी हाँ, अब रियल आईडी से आओ योगी जी। ओके, सो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया है। जी हाँ, फेसबुक अब मेटा कहलाएगा। एक मिनट, फेसबुक यूज करते हैं अभी भी लोग? हाँ, फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा। अरे फेसबुक ही बंद कर दो बेटा, नहीं कर कुछ नया है नहीं अभी यार। अब आपका बच्चा अगर लाइफ में फेल हो रहा है तो उसका नाम सुरेश से रमेश रख देने से क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं ना, मेटा क्या है यार, वो फील ही नहीं आ रहा है भाई। जकरबर्ग का मेटा लेगा आपका डेटा। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। ओए, क्या कर रहे है? गोली चला रहे है क्या? फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ब्रो, दैट्स माय न्यू पैशन। और तू कैसे वीडियोस बनाएगा? तेरे को एडिटिंग आती है? एडिटिंग तो नहीं आती ब्रो। पहले सीख एडिटिंग, और प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल लोगों से सीखना पड़ता है। हम ऐसे ही सिंगल हैंडेडली थगेश का चैनल नहीं चला रहे। जोडी वैंडरपुट के एडिटिंग क्लास, वीडियो एडिटिंग विद प्रीमियर प्रो के लेसन्स लिए। अब तुम लोग तो जानते हो मैंने पहले भी मार्कस भाई, अली अब्दाल के लेसन्स ले रखे, और अब जोडी भाई की भी क्लास ली, और इतना कुछ सीखने मिल रहा है। मतलब एडिटिंग के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, और अपनी एडिटिंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको भी एडिटिंग और ऐसी कई सारी स्किल्स सीखनी है, और अगर क्रिएटर्स बनना तो स्किल्स तो मंगता। बात तो सही है। नाउ स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जिसपे हजारों क्लासेस है फॉर क्रिएटर्स। आप यहाँ पे न्यू स्किल्स सीख सकते हो, जैसे एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, आर्ट्स, म्यूजिक और भी कई। और ऐसे वैसे लोगों से नहीं, मार्कस ब्राउनली, लिली सिंह जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल से। एंड आई नो तू बहुत आलसी है, तो इसमें बेस्ट थिंग ये है कि तुम तुम्हारे मतलब के पॉइंट्स देख सकते हो। इसका मतलब पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। डूड, हर टॉपिक पे शॉर्ट वीडियोस, मतलब जिसमें इंटरेस्ट है मैं वो देख सकता हूँ। क्या बात है ब्रो। बट लिसन ब्रो, आई डोंट लाइक एड्स। ओके, नहीं आती।
ताकि आप सीखने में फोकस्ड हो जाए और क्रिएटिविटी की दुनिया में खो जाए। So, yeah, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसके लिए क्लासेस है इसमें, एंड इट विल श्योरली हेल्प यू गेन एक्सपोजर। एंड इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेस देन 2,000 रुपीज अ ईयर, मतलब मंथली 166 रुपीज से भी कम। मतलब कल रात को मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था उससे भी कम। आपके ये प्राइस में अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी लाइब्रेरी का, और स्किल शेयर से मैंने अपनी ऑडियंस के लिए सेटिंग करवा ली है मेरी तरफ से 1 month का फ्री ट्रायल। लेकिन सिर्फ पहले 1,000 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लेम कर लेंगे उन्हीं के लिए। ओके, सो जल्दी से कर लेना, हरी अप लिंक डिस्क्रिप्शन में। और क्या और आर्यन खान को फाइनली बेल मिल गई है। काश ऐसा हो सकता रब दे पैरी पहचान दी। यस, फाइनली इतनी रिजेक्शंस के बाद आर्यन खान को बेल मिल गई है। एंड उसके पीछे इतने सारे लॉयर्स लगे, भाई पूरी क्रिकेट टीम लगी है। एंड लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि काफी सालों बाद शाहरुख खान की दिवाली रिलीज अच्छी हुई है। और मुंबई में तो भाइयों जश्न का माहौल है, भाई फटाके फूट रहे। क्या बोलना चाहेंगे अगर शाहरुख खान आप लोगों को सुन रहे हैं? बस वी लव शाहरुख सर, बस ये बोलेंगे। वी लव शाहरुख खान, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। मन्नत के बाद लोगों ने भीड़ लगा दी है। इनको काम नहीं है क्या जिंदगी में कोई? रात को 11-12 बजे बांद्रा जाके शाहरुख खान के मन्नत के बाहर खड़े होके पटाखे फोड़ रहे, चीयरिंग कर रहे। इतना तो भाई बेचारे हमारे ओलंपिक्स में जो हार गए थे उनको भी वेलकम नहीं मिला था। ये तो फिर भी ड्रग्स केस में अंदर गया था। पटाखे कैसे? अच्छा सॉरी, पटाखे तो सिर्फ दिवाली में बैन होते हैं ना। ओह, क्या कर रहे हो लॉन्डो यार लाइफ में? हाँ, मतलब शाहरुख खान को पता भी नहीं होगा कि तुम लोग एग्जिस्ट करते हो दुनिया में। मुकेश नाम का कोई बंदा है जो बाहर खड़े होके चीयरिंग कर रहे हैं, नहीं पता है किसी को। लॉन्डे को देखो, देख के लग रहा है कि इसने खुद का भी बर्थडे कभी इतना सेलिब्रेट नहीं किया होगा। और ये लॉन्डे 25 दिन तक वहां पे रोज आते थे। मेरा देश एनीवेज तो दिल्ली वालों के लिए हमारा ब्रांड न्यू सेगमेंट जस्ट अनदर डे इन दिल्ली। Recently, Delhi में एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो गन पॉइंट पे अपनी बीवी को फोर्स कर रहा था। जी okay, that's a bad thing, okay? पता है फोर्स किस चीज के लिए कर रहा था? करवा चौथ का व्रत रखने ताकि वो लंबी उम्र जी सके। जी हाँ, व्रत रखती है कि नहीं? रख चाहती है कि नहीं मैं जीऊं? चाहती है कि नहीं? देख आ जाए तो तू जिएगी या तो मैं। छन्नी उठा और व्रत रख फास्ट। A few moments later. टेक्निकली मैं जेल में हूँ और यहाँ मेरे को कोई मार भी नहीं सकता है। लंबी उम्र तो हो गई है मेरी। ए इंस्पेक्टर, कॉल, जस्ट अनदर डे इन दिल्ली। और क्या फेवरेट सेगमेंट? जी हाँ, आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट UP is OP. Well, UP is OP never disappoint, चाहे even Thagesh does sometimes, but UP is OP never does. तो उत्तर प्रदेश में एक प्रिंसिपल ने 5 साल के बच्चे को बालकनी से उल्टा लटका दिया बदमाशी करने के लिए। हाँ, इमेजेस हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइल्ड सेफ्टी में हमारी वीडियो डिलीट हो जाए इसके लिए। फिर क्या, धर लिया प्रिंसिपल को पुलिस वाले ने? जानते हैं, जब उसको दादी काट लिया, छोटा लड़का है, सोचे कि ऐसा नहीं मानेगा, काफी चोरी करना सब करना। और इमेजिन ये यूपी के कौन से शहर में हुआ? मिर्जापुर। आई रिमेम्बर जब मिर्जापुर रिलीज हुई थी तब सारे मिर्जापुर वाले फट के बाहर आ गए थे, कैसे बोल सकते हो हमारे मिर्जापुर के बारे में? मिर्जापुर ऐसा नहीं है, मिर्जापुर शांत जगह है। हमारे टाइम पे भाई जब मस्ती करते थे तब क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े होने बोलते थे, आज भी यही हो रहा है बस। एंड लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल स्मार्ट था, प्रिंसिपल उल्टा लटका के ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहा था ताकि बच्चा आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बन पाए। सी, ही इज नॉट सो बैड, ओके? यूपी इज नॉट ओपी समटाइम्स। तो अगला आपने पिछले वीडियो में बहुत मिस किया सेगमेंट, इंटरनेशनल छपरी।
जी हाँ, इंटरनेशनल छपरी जहां पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लफंगों के बारे में। तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंस्टाग्राम मॉडल ने एक पिक्चर डाला इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से उसको बहुत हेट, बहुत गालियां पड़ी कि उसने अपना इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया। ये है वो पिक्चर। बोलो इसमें क्या गलत है, कुछ है गलत? पीपल जस्ट वॉन्ट टू हेट यू। एक मिनट, बेसिकली इसलिए ट्रोल हो रही है क्योंकि इसने अपने डैड के अंतिम संस्कार पे उनकी कॉफिन और उनकी बॉडी के साथ ये पोस्ट किया। जान जाए तो जाए, मॉडलिंग ना जाए। वंस अ मॉडल ऑलवेज अ मॉडल। आप भी पीछे लेट के सोचता होगा भाई 5 मिनट के लिए जिंदा कर दो, एक टपली मार के सो जाता हूँ। बट इफ इमेजिन जिस बाप पीछे से उठे एंड इज लाइक हाँ ये कर लो पहले। और क्या यस, यूके में एक आदमी मस्त अपने गार्डन में बैठा हुआ था, मस्त चिल कर रहा था, मौसम का मजा ले रहा था, तभी अचानक वहां पर टट्टी की बरसात हो गई। जी हाँ, रियल टट्टी की बरसात हो गई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। भाई का पूरा गार्डन, भाई छतरी वगैरह सब टट्टी से भर गई। बाद में पता चला कि ये तो ऊपर से जो एक प्लेन जा रहा था उसमें से ह्यूमन वेस्ट गिरा है। ओह बॉय, दैट्स व्हाट यू कॉल हैविंग अ शिटी डे। प्लेन भी हग रहा है यार, प्लेन चला कौन रहा था? ये आदमी तो आज के लेट नाइट खबरें शो के एपिसोड में इतना ही। होप यू लाइक द एपिसोड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्किल शेयर। साल का 2000 रुपए से भी कम में आपको अनलिमिटेड ज्ञान मिल रहा है। एंड हाँ, पहले 1000 लोगों के लिए ही फ्री 1 मंथ का ट्रायल। ओके, तो फटफट जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक के क्लेम कर लो। एंड यू कैन फॉलो हमारा न्यू शॉर्ट्स का चैनल थगी शॉर्ट्स, जहां पर जनरली तो मैं ही आऊंगा। सो ऑल खबरेश फैंस सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट टुडेज एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरेश शो। होप यू गाइस लाइक दिस एपिसोड। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे सेफ।